हाई एवरी वन। सो बेसिकली टूडेज ब्लॉग इज अबाउट क्रिसमस पार्टी। आप कोई भी अब्रॉड कंट्री में रह रहे हो ना, वहाँ क्रिसमस पार्टी होना मैंडेटरी है। कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, वहाँ प्री क्रिसमस पार्टी होती है, जहाँ आपको सीक्रेट सेंटर्स होते हैं, कोई गिफ्ट्स देते हैं, कोई एक्टिविटीज़ होती है, बहुत कुछ होता है। तो आपको यूजली किसी ने दिखाई नहीं होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ न्यूजीलैंड में कैसी होती है। मैं जहाँ एज एन अकाउंटेंट काम कर रही हूँ ना, वहाँ की ये क्रिसमस पार्टी है। तो ये है जॉन हिल्स, एक पापाकुरा ऑकलैंड में जगह है, वहाँ है। तो मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगी, लाइक कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं, जहाँ तक कि हम वहाँ लाइक राइड वगैरह करेंगे ना। तो इधर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है न्यूजीलैंड में, तो आपको हर एक स्ट्रीट के बाद ही व्यूज़ ही दिखेंगे। नेचुरल ब्यूटी बहुत है इधर, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। जहाँ पार्टी है वहाँ की लोकेशन दिखाऊंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ की और कितना मज़ा आया। सो आप ये पूरा वीडियो देख लेना, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो टू द पार्टी एंड लेट्स सी हाउ मच फन वी गोना हैव। तो चले या पार्टी स्टार्ट हो रही है 5 बजे, तो मैं निकली हूँ घर से 5 बजे। तो वो पंजाबियों वाली अपनी रीत है ना कि टाइम पे तो पहुँचना नहीं है, आधा पौना घंटा ना लेट ही जाओ। और मेरा सिस्टम हमेशा ऐसा ही है, क्योंकि आप अगर आधा पौना घंटा लेट जाओगे, जब आप वॉक इन करोगे तो लोग आपको देखें तो सही, पता तो चले आप आए हो। इसलिए हमेशा आधा पौना घंटा लेट जाओ, ऐसे नहीं कि पूरा 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे वहाँ पहुँच जाओ, तो फिर वैल्यू नहीं रहती आपकी। तो अभी 10-15 मिनट का रास्ता रह गया है, पर बारिश नेक्स्ट लेवल तेज़ हो गई है। और आई बिलीव कि जो भी लोग अभी गाड़ी से उतर के वेन्यू में पहुँचने में भी 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि आप पार्किंग में लगाते हो तो जाते हो, तो उसमें तो भीग जाएंगे सभी। बट आई विल नॉट लाइक गेट आउट अंटिल द लाइक रेन इज नॉट लाइक दिस मच हैवी। तो इधर से ये पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, जहाँ से आपको लगता है यार आप पहाड़ों में आ गए, और मज़ा एक डिफरेंट सा आता है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी आप स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। इधर से हमने बस 2-3 मिनट में पहुँच जाना है जहाँ पर हमारा वेन्यू है। पर आप देखिए नज़ारे, ये हमारा वेन्यू है जहाँ क्रिसमस पार्टी हो रही थी। ऑलरेडी सारे आ चुके थे और मेरी एंट्री एज़ यूजुअल लेट, पर कोई बात नहीं, सभी ने वेलकम किया। मैंने ये वीडियो निकाली और आपको दिखाने के लिए कैसा सीन था, ये देखिए। उसके बाद ये स्पीच थी जो सभी दे रहे थे, तो या दैट्स अ वेलकमिंग स्पीच, सुन लीजिए। मेरी मस्ती मैंने नहीं छोड़ी, वो चलती गई, सभी को अपने साथ एंटरटेन करते रहे। तो ये एक क्विज़ शुरू हो गया था जहाँ पर आपको प्राइजेज मिल रहे थे। मेरे को तो कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, पर बाकी काफ़ी लोगों ने प्राइजेज जीते। तो ये वाले यहाँ पे प्राइजेज थे, और ये एक्टिविटी थी हमारी बेसिकली क्विज़ वाली, जहाँ पर आपको प्राइज मिलेंगे। मैं 0 प्राइज़ लेके घर आई थी, तो पर काफ़ी लोग और लोग जीत गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो आगे प्राइजेज, जिनके पास 2-2, 3-3 थे। तो मेरे को एक मेरी कोलीग ने मेरे को एक गिफ्ट दे दिया था, पर या सभी एंजॉय कर रहे हैं गेम, देखिए आप भी। बस फिर लास्ट पे कुछ मीठा था, वो खाया हमने एज ए क्रिसमस के लिए। फिर दैट्स इट, पार्टी फिनिश, बातें करके लोग निकल गए अपने अपने घर को और हम भी। थैंक यू।